मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग. वेलकम टू माँ बेटा ब्लॉग. वेलकम टू माई चैनल तेरे नतुंग खंग वाईटी ब्लॉग्स. सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ फिश रेसिपी. वो भी मैं बनाऊंगी थोड़ा अलग स्टाइल में. अलग स्टाइल मीन्स हमेशा सब लोग देखते हैं सरसों के साथ बनाते हैं, टोमेटो के साथ बनाते हैं और बम्बू शूट्स के साथ भी बनाते हैं. फिर भी मैं भी ऐसे बनाऊंगी लेकिन मैं बॉयल स्टाइल में बनाऊंगी. तो देखिए वीडियो अच्छा लगे हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप करते हुए देखिएगा वीडियो को. और अगर रेसिपी को जानना है तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देखने से भी मैं तो मुझसे बोल ही देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से सीख लीजिएगा. तो हाँ, चलिए मेरे साथ बने रहिए और ब्लॉग को मैं स्टार्ट करती हूँ. चलो लेट्स गो. अनि गम कैसा बाल्टी तो नंबर से कौन कोई है सारी पिज़्ज़ा में क्यों नहीं घड़ी किंतु नजर ना कि घड़ी बोले कर ले भी ना है ना कहते हैं जमाना
पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी डाल दिया, पानी उबलने दूंगी। उबलने के साथ साथ ये उबलते भी रहेगा और साथ में ये मैं बैम्बू सूट यहाँ पे रेडी करके रखी हूँ, ये लंबा वाला, तो इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ। अगर गाइस आप लोगों के साथ बैम्बू शूट नहीं है, अगर आप लोग पकाकर खाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग बम्बू शूट नहीं होने से आप टोमेटो के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सब्जी का कलर थोड़ा रेड रेड में आएगा, कलर में कलरफुल होता है, लेकिन बैम्बू शूट डालने से कलर नहीं होता है, वाइट कलर में आता है। तो लोग सोचता है कि इतना वाइट कैसे खाते होंगे, लेकिन बहुत ही टेस्ट होता है ये गाइस। पानी फेंक देती हूँ बेसिन में। इसके बाद तो गाइस अभी मैं इंग्रेडिएंट्स रेडी करने जा रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, खाली गार्लिक चाहिए और मैं डालूँगी चिल्ली डालूँगी। और इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे ये हर्ब्स रेडी करके रखे, ये है, इसको मैं एक बार दिखाई थी। ये भी सिचुअन लीव्स है, ये पहाड़ी में पहाड़ में मिलता है। इसका कट्टा भी है, देखिए आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहे कट्टा कट्टा है। तो और एक है यहाँ पे बेजिल लीव्स, ये बेजिल लोकल बेजिल ये है। तो ये सब को भी, लेकिन मैं इसको तो कूट के डालूँगी। ये बेजिल लिप्स को मैं ऊपर से खाली गार्निशिंग के लिए डालूँगी। तो पहले मैं गार्लिक को छील लेती हूँ, क्योंकि ना एक्चुअली अगर आप टोमेटो के साथ बनाते हैं तो आप उसमें जिंजर ऐड कर सकते हैं। अगर आप बैम्बू शूट डाल रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है आपको जिंजर ऐड करने के लिए, क्योंकि जिंजर से थोड़ा टेस्ट कड़वा हो जाता है। इसीलिए मैं गार्लिक के साथ बनाऊंगी। गार्लिक और वो चिल्ली डाल सकते हैं हम लोग, और अलग हर्ब्स ऐसा कुछ सब कुछ डाल सकते हैं। तो अभी मैं प्रिपरेशन के लिए, इन्ग्रीडियंट्स के लिए मैं अभी ये सब काट लेती हूँ, छील के रेडी कर लेती हूँ, तब तक पानी उबलने तक। तो चलिए नाय ये तीनों पत्ता सीजन लीव्स और ये गार्लिक और चिल्ली में पेस्ट बना रही हूँ इसकी। सो गाइस यहाँ पर पानी उबल चुका था, इसीलिए मैंने नमक और ये सीजन सीड्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अभी मैं फिश को डालूँगी, जो बड़ा वाला फिश था उसी को मैं डालने जा रही हूँ। ये हेड पोर्शन है, हेड को ये टू पीस करने से मज़ा होना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, इसीलिए मैं इसको फुल्ली गोटा ही डाल दूँगी। यहाँ पे हेड चला गया, इसका बॉडी पार्ट गया, वन मोर बॉडी पार्ट गया, इसका टेल पोर्शन गया, फिर ये है बॉडी पार्ट गया, और ये भी एक है। तो मैं बड़ा फिश का जितना भी पार्ट्स था सब मैंने डाल दिया। वैसे तो बच्चे लोग नहीं खाएंगे ये बॉयल, तो इसीलिए उन लोगों के लिए ये छोटा छोटा पीसेस वाला को मैं फ्राई करके रख दूँगी। तो ये हो गया, मैंने बॉयल में डाल दिया, और यहाँ पे तो पेस्ट है ही, ये मैं बाद में डालूँगी, बस अभी उबलने देते हैं। तब तक रहा है मेरा फिश करी विद बैम्बू सूट, पूरा उबल रहा है, आवाज़ आप सुन सकते हैं आवाज़।
कहाँ रखूँगी इसको खोल के, ना कंजस्ते थे ना ये टेबल जो लंबाई है, फिर भी वहाँ पे बहुत डब्बा लोग रखा हुआ है ना इसलिए। और ये सर इट्स लुक्स लाइक दिस यू सी वाइटिश कलर। एक्चुअली नो वन लव्स दिस रेसिपी ना व्हेन दे सी द कलर। हाँ सही बात है, ये अगर कलर ऐसे देखेंगे तो सभी को ये क्या गाहुरी का दाना बनाया है क्या बोलेगा। तो बट द टेस्ट इज़ ऑसम व्हेन यू ईट दिस, द टेस्ट इज़ ऑसम, यू फील लाइक यू आर इन हेवन। और ऐसा लगेगा कि हेवन में हो, और आप ऐसा लगेगा आपको कि और एक बार ट्राई करें, और एक बार ट्राई करें ना। और इधर मेरा रेसिपी के लिए ये मसाला इज ऑल्सो रेडी, नाउ आई विल पुट द मसालास। तभी मैं पहले मसाला डाल लेती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट ये पक चुका है, जब बॉयल हुआ है तभी, फिर भी इसको उबलने दूँगी ठीक से अच्छी तरीके से। आप लोगों को मैंने बता ही दिया था यह रेसिपी, ये मसाला में है खाली गार्लिक चिल्ली और सिचुअन लीव्स। तभी मैं इसको ऐड कर रही हूँ, तो गाइस नाउ इट लुक्स लाइक दिस ग्रीन ग्रीन ग्रीन। आई हैव नॉट येट टेस्ट द करी कि कैसा हुआ है उसका नमक का टेस्ट भी, मुझे मैंने टेस्ट नहीं किया। अभी और थोड़ा सा उबलने देती हूँ, उसके बाद अब इसमें थोड़ा वो मसाला का थोड़ा वो उसको उबाल के भी मैं डाल सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं हिलाना है बिकॉज इट विल ब्रेक, इसलिए देखिए द रियल लुक। अभी मैं लिट लगा देती हूँ उसका ढक्कन। और ये हमारा डिश रेडी बन के तैयार, अभी मैं गार्निशिंग कर देती हूँ। ये मैं बेसिल लीव्स से गार्निशिंग कर रही हूँ। हो गया। सो गाइस अभी फिर मैं बच्चों के लिए ये फ्राई कर दूँगी फिश, या पे तेल ऑयल गर्म हो रहा है इसको फ्राई करती हूँ। आई थिंक ये पैन गर्म हो चुका है, तो पहले मैं डालूँगी फिश हेड क्योंकि ऑयल ज़्यादा है ना, अभी बाद में कम हो जाने से छोटा छोटा पीसों से डाल दूँगी, डालना पड़े। यहाँ पे फिश फ्राई आप देख सकते हैं, देखिए मैंने इसको पलट दिया है। यहाँ पे चाय दिखाई, चाय पीऊँगी अभी। गाइस व्हेन यू ईट ऑथेंटिक फूड, जब आप खाते हैं तो यू फील लाइक वाओ वाओ वाओ। तो बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स हैं और टूरिस्ट आते हैं ऐसे ऐसे प्लेसेस में जहाँ भी हो, वो लोग ऑथेंटिक फूड ही ढूंढते हैं ना, तो लोकल हो जैसे भी जैसे तरीका का भी बनाता है तो वैसे ही कुछ ढूंढते हैं। तो स्पेशली ये सब फूड हम लोग को सीख के रखना चाहिए ताकि आप अपना फैमिली को खुश कर सकें, आप अपना फैमिली को या मेहमान जब आते हैं तो उनको खिला सकें ऐसा ऑथेंटिक फूड। क्योंकि नॉर्मली जो तेल ऑयल के साथ बनाते हैं, स्पाइसी के साथ बनाते हैं, वो तो हर जगह मिलता ही है, तो व्हाई नॉट यू ट्राई टू मेक ऑथेंटिक फूड। सो एथनिक एंड ऑथेंटिक एंड ऑर्गेनिक आर वेल इज आर ऑसम मीन्स। तो इसीलिए इसके लिए आप लोग ये सब फूड रेडी मीन्स सीख के रखना तो बहुत ही अच्छा है, खासकर लड़की।
अब मैं खाने जा रही हूँ फिश मठा, ये है बम्बू सूर, यम्मी। और ये रेड चटनी, वाला रेड चटनी दिखाओ तो। देख तो अभी मैं खाती हूँ पुला दो आखो जाते खुल जा तो गाइस खा पी के हो गया अभी हम लोग, खाना भी खा लिया, सब्जी भी ठीक ही बना है, थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया बोला है तो अच्छा बना है, टेस्टी था, टेस्टी था। बहन बोल रहे क्या है टेस्टी है तो टेस्टी था बोला है तो टेस्टी बनाइए। इसके बाद गर्म भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये खा के ये झाल वाला ये वाला खा के तो बहुत झाल और गर्म लग रहा है। तो हाँ गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे, नए नए वीडियो का अपलोड जो होगा वो ही देखने का मौका मिलते रहे। तो वह तो गाइस इसी के साथ मैं भी ब्लॉग यहीं रखती हूँ और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज़।